नई चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए तेलीबांधा के रिंग रोड पर श्री अनंत साई अस्पताल तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील शर्मा और डॉक्टर पार्क इस संस्थापक ने मिलकर इस अस्पताल की शुरुआत की है और इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशील शर्मा अपनी कुशलता, दक्षता एवं 18 वर्ष के अनुभव से मरीजों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही मुंबई और दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर चुके वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पार्थ इस संस्था जो आप बता रहे हैं स्थापक भी अपनी जो सेवा है वो प्रदान करेंगे और साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों और उन्नत चिकित्सा टेक्नोलॉजी का लाभ भी मरीजों को मिल सकेगा। हमारे पास कार्डियक इमरजेंसी की फैसिलिटी है। हमारे पास टीम में जो डॉक्टर पार्थ हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आईसीयू में डेडिकेटेड कार्डिक आईसीयू है, डेडिकेटेड ट्रॉमा टीम है। अगर कुछ भी पेशेंट आते हैं ट्रॉमा के, क्योंकि एरिया जो बहुत ट्रॉमा का दुर्घटना जन्य क्षेत्र है, आसपास क्षेत्र में दुर्घटना होती है, तो कोई भी ट्रॉमा का मरीज आता है तो हमारे पास एक स्पेशलिस्ट टीम है जो डेडिकेटेड ट्रॉमा को इमीडिएटली मैनेज करेगी। सो दैट जो लाइफ सेविंग का जो काम है, जो साल्वेजेबल डेथ है, साल्वेजेबल डेथ का मतलब होता है जो डेथ को हम रोक सकते हैं होने से, तो वो हमारा वो प्रयास है। कि हमारी फील्ड में कहा जाता है टाइम इज मसल, जितने जल्दी हम कार्डिक इंटरवेंशन करेंगे उतनी जल्दी हम हार्ट अटैक के मरीज को बचा पाएंगे। तो उसी परिकल्पना के साथ हमने ये स्टार्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि शहर को बीचों बीच है तो हर जगह से इजीली अप्रोचेबल है। हम एम्बुलेंस सुविधाएं मरीजों को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी मुहिम हमने ये सोचा है चलाने के लिए कि जो परिफेरी के डॉक्टर्स हैं उन्हें हम एक बेसिक ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे ईसीजी की। अगर उनके पास बेसिक ईसीजी अगर वो कर सकते हैं तो थोड़ा सा मैं उनको गाइड कर सकता हूं कि अगर हार्ट अटैक है तो कब पेशेंट को कितनी जल्दी शिफ्ट करना है, या अगर मैनेजेबल वहीं पे है तो उनको वहां मैनेज किया जाए।